नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। काशीपुर पुलिस ने बीते दिनों हुई मोनू नाम के पेंटर की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों का कई धाराओं में चालान कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है, जहाँ उन्हें 14 दिन की हिरासत के लिए जेल भेज दिया गया है। दरअसल बीती 28 जुलाई को ढेला नदी के किनारे पर्वतीय कॉलोनी के पास एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव की शिनाख्त मोनू उर्फ मोनिस के रूप में की। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी। वहीं आज घटना का खुलासा करते हुए SP प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने घटना स्थल पर लगे CCTV कैमरों को खंगालने पर गंगापुर निवासी मुकुल भगत और ब्रह्मपाल का नाम सामने आया है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामनगर के गिरजिया रोड रिंगोड़े वाले बाबा की मजार के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी मुकुल भगत ने बताया कि मंडी गेट के पास उसकी चाय की दुकान में मोनिस नशे में उसे परेशान करने आया करता था, इसीलिए उसने मन ही मन मोनिस को खत्म करने की ठान ली। साथ ही उसने बताया कि रामपुरा में ब्रह्मपाल पकौड़े की दुकान पर काम करता था, जहां तीनों साथ बैठकर शराब पीते थे। वहीं शराब के नशे में मुकुल को मोनिस की चिढ़ाने वाली बात याद आ गई, जिसके बाद मुकुल और ब्रह्मपाल ने उसे मारने की ठान ली, जिसके बाद दोनों ने मिलकर मोनिस को ज्यादा शराब पिलाई, जिसके बाद ढेला नहर पर्वतीय कॉलोनी के पास दोनों ने गमछे से मोनिस का गला घोट दिया, जिससे मौके पर ही मोनिस की मौत हो गई। वहीं हत्या के बाद शव को नहर में छिपाकर वो लोग वहां से चले गए। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग गमछे को भी बरामद कर लिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि ब्रह्मपाल पर पहले से उत्तर प्रदेश के थाना भगतपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने गठित की गई टीम को 2500 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है। लास्ट टाइम जो है मतलब जो अपने दो दोस्तों के साथ जो है घटनास्थल की ओर आता हुआ देखा गया था, इसी क्लू के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है। और दौरान जांच और दौरान विवेचना जो है दो लोगों के नाम से प्रकाश में है, एक मुकुल भगत और दूसरा ब्रह्मपाल पप्पू, इन दोनों को जो है अरेस्ट किया गया है। और इनके द्वारा जो है मृतक मुनिश को गला घोट कर हत्या किया गया था, उसमें जो गमछा प्रयोग किया था वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।